हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंग कैस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 2 मिनट पॉलिटिकल साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है नैम, दैट इज अ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो चलिए समझते हैं कि नैम कहते किसे है। कोल्ड वॉर के दौरान जब पूरा विश्व बायपोलैरिटी के दौर से गुजर रहा था और पूरा वर्ल्ड दो भागों में डिवाइडेड था, एक तरफ यूएस दूसरी तरफ यूएसएसआर, और हर एक देश मजबूरन किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे। बट बहुत से ऐसे देश भी थे जो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इस ग्रुप से अलग रहकर अपने देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते थे। ऐसे में 1956 में 5 देशों ने मिलकर नैम को फॉर्मली दुनिया के सामने रखा। इन 5 देशों के नाम है इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट और यूगोस्लाविया। नैम ने विश्व को थर्ड ऑप्शन दिया जहां कोई भी देश किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करकर इस वॉर से अलग रहकर अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते थे। ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहा और आगे जाकर 120 देश इसके मेंबर बने। दैट्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो।